क्वेश्चन टू हम देखते हैं। देखिए ये सवाल आपका इस तरह से है कि संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का भारत के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे है। इसी तरह का आपके एक और सवाल आया हुआ था प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म पे, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। द सिस्टम ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी टर्म्ड एज प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्राइम मिनिस्टर एक ही तरह सवाल हुए, तो कैसे टैकल करें ये बता देता हूँ आपको। एक सवाल और आया था कि हैज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी अफेक्टेड द बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो क्या संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत ने भारत के में संसद और सर्वोच्च न्यायालय के संतुलन को प्रभावित किया। तो बेसिक स्ट्रक्चर पर भी बात हो जाएगी, तो उसमें भी आप जो है प्रीएम्बल वाले पॉइंट्स ला सकते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैं आगे जो है आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और बताऊंगा, तो वहां से आपको और क्लैरिटी है कैसे इन सब सवालों को टैकल करना है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप कैसे टैकल करेंगे कि कैसे कैसे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है, क्या है, इसमें आप स्रोत पे भी जा सकते हैं, जो मैं आपको सोर्सेज बताया था आप वहाँ से भी जा सकते हैं, फिर वहाँ से भी आप दिखा सकते हैं वेस्टमिंस्टर वगैरह से भी तुलना कर सकते हैं ऐसे आंसर्स को। इस तरह से आप ऐसे आंसर्स को टैकल कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है। जैसे आपको इसमें भी मैंने बताया था कि वेस्टमिंस्टर ईस्ट मिनिस्टर आप लिख सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति इसका नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रमुख है, केंद्रीय परिषद का गठन दायिका से ही किया। तो इस तरह के जो भी आपके टेस्ट मटेरियल में दिया है आपका ये सब चीज़ें, तो आप ये सब पॉइंट्स जो है उसमें आप लिख सकते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, क्या क्या प्रोविज़न है। इसमें भी आपको पहले लिखना होगा कि पार्लियामेंट का हिस्सा कौन है, आप ये लिख देते पार्लियामेंट्री हिस्सा प्रेसिडेंट भी है, फिर लोकसभा राज्यसभा है, फिर गवर्नमेंट कैसे पार्लियामेंट से डराइव होती है आप ये लिख सकते थे, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसी के मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी कैबिनेट होगी, आप ये सब लिख सकते थे, या कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, तो इस तरह लिख सकते थे आप। फिर उसकी क्या उत्तरदायित्व क्या है, उसकी क्या जवाबदेही है, तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। इसको मैं जब आपको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर बहुत तब बताएंगे कि ये कैसे कैसे है, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब ये सब क्वेश्चंस करूंगा। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ बताया कि ये क्वेश्चन भी कैसे आप प्रीएम्बल से लिंक कर सकते हैं, कैसे पुराने कंटेंट को आप वहां ला सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी सवाल आता है एग्जाम हॉल में, तो हमें यही नहीं समझ आता कि किस चैप्टर का सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है हम चैप्टर समझ नहीं पाते, हम कंटेंट रिलीवेंट लिखते नहीं, हम कंटेंट कहीं और का लिख देते हैं। तो कोई भी आंसर जो है उसको हर जगह कनेक्ट करना है, कोई भी आंसर जो है इस पे मल्टीपल डायमेंशंस हैं। विभिन्न आयाम, अब इन आयामों को आप नहीं कवर करेंगे। जैसे एक आपका जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाया वहां पे मिल गया, एक आपको प्रीएम्बल में मिल गया, प्रस्तावना में कुछ चीजें मिल गई आपको, कुछ चीज़ों को आपको जब मैं कंपैरिजन कराया कंटेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का आपको वहाँ मिल गया, या फिर जो सोर्सेज बताए मैंने आपको वहाँ पे मिल गई कुछ कंटेंट। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी, कनेक्ट आप नहीं करेंगे तो आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, और ये डायमेंशंस कवर होंगे तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। आइए आगे चलते हैं। आज मैंने आपको संविधान के विषय में बता दिया, आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना प्रीएम्बल। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रीएम्बल क्या है, आपको एकदम याद करना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, और इस पर आप एकदम ध्यान दिए कि अभी कई इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि प्रीएम्बल सुनाइए कुछ, मेरे एक मित्र थे उन्हीं से पूछ लिया गया था, तो बहुत लोगों को बहुत याद नहीं रहता और एक निगेटिव इंप्रेशन आपका पहले ही पड़ जाएगा। तो ऐसा है होने से एकदम बचे भाई, प्रीएम्बल संविधान
आपका एक धार्मिक ग्रंथ की जगह ऐसा होना चाहिए जिसको आप डेली रट्टा मारें, इसके बारे में आप जानें, क्योंकि यही कहीं ना कहीं इस देश के शासन को चला रहा है। और आप भी कल ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप भी संवैधानिक तरीके से, तौर तरीकों से ही काम करेंगे, तो आपको संविधान की प्रोविजंस जो हैं वो तो आनी ही चाहिए, और कम से कम क्या उसका दर्शन है जो कि प्रीएम्बल में, वो तो एकदम आना चाहिए। तो प्रीएम्बल को आप याद कर लें, मैं आपके लिए दोनों भाषाओं में एक बार पढ़ूंगा प्रीएम्बल को, हिंदी में इंग्लिश में, आप भी मेरे साथ साथ उसको बोल सकते हैं, उसको देखिए, आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप आती है उसमें खोल लीजिए, या फिर पीएम बख्शी वगैरह किताबों में दिया होता है वहाँ पे आप खोल के देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हम भारत के लोग, अब ये प्रस्तावना किसके लिए, हमारे बारे में, हम ही अपने आप को बता रहे हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण ये संविधान हमने दिया है। देखिए इसमें बोला जाता है, कई सवाल भी आते हैं प्रीलिम्स में भी, किसकी मेन जो पावर है संविधान किसके हाथों में है, तो किसके, हमारे हाथों में है, हम वी मीन सिटीजंस ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने दिया है, किसी और ने नहीं दिया इसको, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली